What is up, bros? This is Jay, and आज हम स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन्स देख रहे हैं. तो मैंने सोचा एक नरक नाम का ये रिसेंटली है, समय रहना नाम के कोई कमेडियन है. मैंने इनका कभी पहले कुछ वो नहीं सुना है, स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन्स कोई भी नहीं देख रखे मैंने. तो मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ स्टैंड अप कॉमेडी वाले उसकी तरफ. तो आज मैंने कहा चलो उठाते हैं एंड लेट्स वॉच नरक वाय समय रहना, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत वायरल हो रहा है और इसका मैं देख रहा था बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स रिएक्शन कर रहे हैं. तो आई थॉट व्हाई नॉट, ये कुछ अच्छा ही होगा. तो लेट्स जस्ट जंप इन. आजकल तुम सबका एक दोस्त होगा ना जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग. हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो. मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार. जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो बहन. तो मैडम ने कहा देखो समय बहन मत बोला करो क्लास में. I was expecting something serious, but बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को. मैं कभी सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन फिर यार. और आजकल बहुत जरूरी हो गया सब सीखना पता है. तो मैंने एक सीए रख लिया ठीक है, वो मुझे कुछ खरीदने नहीं देती भाई. मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई. कह रही डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. मैंने कहा मतलब? कह रही देख समय, तू आज गाड़ी खरीदेगा 2 लाख रुपए की, कल जब व्हाट मेक्स इट मोर फनी इज हिज नेम इज समय. तो समय के साथ साथ डेप्रिसिएशन. डोंट माइंड गंदे जोक्स मेरे. तू उसे बेचने जाएगा तुझे सिर्फ उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, हो गया लॉस. मैंने कहा फिर मैं सेकंड हैंड खरीद लेता हूँ. कह रही तो जैसे ही सेकंड हैंड खरीदेगा वो गाड़ी थर्ड हैंड हो जाएगी. उसकी वैल्यू और गिर गई. मैंने कहा फिर मैं थर्ड हैंड खरीद लेता हूँ. तो ये बकचोदी 10 मिनट करी हमने. आज ऑटो में आया शो करने इतना प्रेशर क्यों है पैसा कमाने के लिए. मुझे लगता है अगर इन्वेस्ट करना ही है ना यार खुद में करो ना. Everybody has got nice. शायरी चल रही है. लाइफ का ज्ञान. Nice, वावा, वावा. और एक बार. राइम भी कर देता हूँ अगले सेंटेंस वाइज. मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है मैम पर आपने नाइस बोला. क्या है आपका हिडन टैलेंट? कुछ तो होगा ना यार. You have no clue. You're not found it out yet. Like it's like people read these quotes from Instagram ki work on yourself, invest in yourself, improve yourself. Aur wo jahan pe bhi wo sunte hai na, they're so influenced, they're like ye banda sahi baat kar raha hai. It's the same quote that I read on Instagram, so I agree. Kya karte ho? Still selling. Still selling, doing what? Mass communication. Mass communication, aapko baat karne pasand hai. शो के बीच में मत करो ना बस. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. All the best with your journey. I find it. I feel everybody, yaar. Everybody, including you, bhai. Bro, roasted. Has got a hidden talent. कमेडियन से पंगे नहीं भाई कभी भी. आगे वाली सीट पे बैठ के कमेडियन से कभी भी पंगे नहीं. But never. Some talents need to be kept hidden. तुम देखो India's Got Talent में हर साल एक बंदा आके ट्यूबलाइट खा रहा है. ये कैसा टैलेंट है? उसका बच्चा कहीं स्ट्रीट डर कैसे पढ़ रहा है कि बाप ने फिर ट्यूबलाइट खा लिया. बाप को रोको यार. हाँ यार, मतलब I get it. ठीक है, you have developed something special ki tum tubelight jaisi cheez kha pa rahe ho, but usko hum talent kis had tak mane? It's like torturing your body. I don't know man if this is talent or not. I don't know. I don't think it is. Aur tumne dekha hoga jab bhi koi India's Got Talent mein aisa kuch risky karta hai na, koi tubelight kha raha hai, koi talwar kha raha hai, Kiran Kher pehle hi dar jati hai. यो, मेरा सबसे पहला दिमाग में किरण खेर का ही दिमाग में आया नाम. शी लाइक हाइड्स बिहाइंड हर पल्लू राइट. शी गोस लाइक नहीं मुझे देखना ही नहीं. मैं नहीं देख सकती. क्या पता उससे कुछ हो जाए. फॉर रियल ब्रो. देखो ना यार. क्या पता उससे कुछ हो जाए. यो
द होल पॉइंट ऑफ सच टैलेंट्स इज कि तुम्हें वो एड्रेनलिन रश मिलता है, तुम्हें एंग्जाइटी होती है थोड़ी देर के लिए, यार फक यार ये बंदा ट्यूबलाइट खाने वाला है, अगर इसको कुछ डैमेज हो गया तो, ये अपने गले में तलवार डाल रहा है, इसका गला कट गया तो, ये कीलों पर बैठने वाला है, इसको कीलें चुभ गई तो, द होल पॉइंट ऑफ वॉचिंग ऐसे वाले टैलेंट्स इज दैट यू गेट अ रश फ्रॉम इट, और अगर वो रश ना हो तो इट्स यूजलेस टैलेंट, यू सीइंग अ पर्सन टॉर्चर देमसेल्व्स, तो पूरा सस्पेंस में ही निकल जाता है टाइम, क्या इसको कुछ होगा या नहीं होगा, क्या ये इसको सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, हाउ इज दैट अ टैलेंट ब्रो? मजा भी तो आएगा एक्सीडेंट देखने में, थोड़ा एग्जैक्टली थोड़ा तो मजा तो आता है ना, थोड़ा तो आता है। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मरा यार भाई ये बहुत डार्क जा रहा है बहुत इस मैं समझ रहा हूँ इसका नाम नरक क्यों है, ये बहुत डार्क जा रहा है, है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। भाई बुरी चीज में ही मजा है, लोगों को अच्छी देखनी नहीं, फैक्ट ये है। दिस गाय सब लौंडों सच बताना, तुम सबने बच्चों ने बिस्तर गीली करी करी मेरा एक ऑब्जर्वेशन कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है अरे तो हम बहा देते हैं उसको मजे में, फॉर रियल मैन, मजा ही नहीं ले रही यार, दिस गाय इज एक्सपोजिंग एवरीवन। इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है, वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। कैसे? तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है कभी सोचा है? इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रेजिक स्टोरी लेके, सर मेरी माँ की एक ही टांग है वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है, मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती कहाँ डालेगी वो सिंदूर सर, भाई जैसे जोक्स में हंस चुके हैं ना, नरक तो सारे ही जा रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, मुझे लगता नहीं स्वर्ग है इस दुनिया में, बच्चन में जिगरा है हमारे लिए तो नहीं, तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का ना, वो कभी भी गरीब को होप देता है, अगर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के जाए तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप, जो गरीब कभी नहीं जीतता है, तुमने नोटिस नहीं किया? फॉल्स फॉल्स होप, मतलब होप अपने आप में फॉल्स ही होती है, बट इट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग मैन, ये बहुत सही बात कर रहा है अभी। क्या होगा, कौन बनेगा करोड़पति में? करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है, ये झूठी होप, ओ मैन एक्सपोज्ड, ये झूठी होप की वजह से ही लॉटरी जैसी चीजें आज तक भी चल रही हैं, ये स्कैम्स हो रहे हैं, झूठी होप, मतलब होप ऑब्वियसली होप के चक्कर में, झूठी तो अपने आप ही होती है। क्या होगा, कौन बनेगा करोड़पति में? करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है, सही सही है, फिर भी हर हफ्ते आता है, आज कौन बनेगा करोड़पति, तुम बन रहे हो करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, शो का नाम रखो और कौन बनेगा करोड़पति, ना और कौन बनेगा तुम्हारे अलावा, वैसे और तो कोई भी नहीं बनता है भाई, फिर भी वो गरीब को हर हफ्ते पूछता है क्या करेंगे आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के, अब गरीब को पता नहीं सार्कैज़म है, गरीब आंसर लिख क्या है घर से, सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, गांव में बिजली नहीं है सर, पापा ने सारी ट्यूबलाइटें खा ली, मेरी माँ पापा लगे इंडिया गॉट टैलेंट बहुत बीमार है सर, और पीछे पूरी पीपीटी चल रही होती है, उसकी मां मर रही होती है, भाई माय पॉइंट इज पूरी ट्रेजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लॉक करा के बैठा है, तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है, यो मैन वो थोड़ी ना ऐसी आने लगा कि अफसोस गलत जवाब, आपकी मरती है मां
घबराइए मत बेटे, कभी नहीं कहता ऐसे वो गरीब को। और ना ही भाई वो ऐसा कहेगा तो शो के टीआरपी बढ़ जाएगी। तो किरण खेर कितना डर जाता कि वो मैं क्या करूं, उसकी मां मर जाएगी। नहीं, अमिताभ बच्चन एज द बॉस। उस मोमेंट में तुम देखो, जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लॉक रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है, देखिए आपके पास दो लाइफलाइन जीवित है। दो लाइफलाइन है आपके पास और आपकी माँ के पास एक भी नहीं। यो Bro's got dark jokes. तुम नरक जा रहे हो भाई। भाई तू भी आ रहा है। अब अगर हम नरक जा ही रहे हैं, तो चलें क्या और एक कदम आगे फिर? चलना है? ठीक, let's go darker. देखो चैरिटी जो है ना, अच्छी बात है, करनी चाहिए यार। लेकिन Why am I laughing? मुझे पता है कुछ गलत आने वाला है। हर चैरिटी नहीं, मतलब जैसे मैं एक चैरिटी देख रहा था, उसमें एक दो महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, क्रेजी, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। यो दीज एड्स मैन, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर वीडियो पे तुम चलाओगे ना, कुछ देर बाद तुम्हें ये वाला एड दिख जाएगा कि जी इस बच्चे को ये बीमारी है, कोई फंड रेजर का या कोई डोनेशन लिंक का कोई ऐड होगा कि भाई इस बच्चे को ये बीमारी है, मेरे घर वाले को ये बीमारी है, हमारे पास बचाने को पैसा नहीं है, प्लीज डोनेट। क्या चल रहा है भाई? दो महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। दो महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग। Back to the square one. गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा इंजेक्शन के बाद ना यार, मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद, और उससे भी खराब सोचो 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं कुछ तो क्रेजी करना है, नहीं 16 करोड़ दिया, चल एक मैं पुशअप मार दूं, चल अभी क्या बात, एक बार वहां भी पुशअप मार, बीकॉम करेगा साले। 16 करोड़ दिया है ना यार, कुछ तो रिटर्न है। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर किड्स, ओके, इवन फॉर ओल्ड पीपल। अब जैसे मेरी नानी है, ठीक है, यो अपनी नानी पे नहीं ब्रो, यू गोइंग टू वार मैन, तू घर जाके पिटेगा। 95 and alive. अब अगर इस बालिश उम्र में मेरी नानी को कुछ क्रेजी हो जाए, क्रेजी जिसका इलाज ऐसे 1 करोड़ रुपए भी है, मैं थोड़ी उसमें पैसे डालूंगा, बिकॉज आई नो दैट नानी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। यो अब तो नरक जा रहे हो भाई। No, तो हमारे पौते भी नरक जाएंगे, हमारे पौते सारे पुण्य करके मैं नरक क्यों आए हो मैं? तुम्हारे दादा ने हंसा था एक क्रेजी जोक पे, क्रेजी जोक। बहुत बढ़िया भाई, समय रहना बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम वॉचिंग यू एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल ब्रो। पता नहीं बहुत लोगों को ऐसे जोक्स ऑफेंसिव लगते हैं, बट नॉट मी। मैं डार्क ह्यूमर पर्सनली बहुत इन्जॉय करता हूँ, और मेरे ख्याल से बुरे लग जाते हैं लोगों को ये जोक, क्योंकि इन जोक्स में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। लाइक 16 करोड़ का इंजेक्शन, आई डोंट थिंक एनी वन कैन अफोर्ड 16 करोड़ का इंजेक्शन, और अगर हो भी तो यू नो वट एवर द जोक वॉज। एंड डेप्रिसिएटिंग एसेट वाला जोक भी काफ़ी मुझे तगड़ा लगा। एक जो मैं थ्रू आउट वीडियो एक चीज़ जो नोटिस कर रहा था,
बॉडी लैंग्वेज से नहीं है इस बंदे की जो एनर्जी है ना, वो आंखों से है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से है. यू कैन टेल कि ये बंदा कुछ भगचौदी करने वाला है जस्ट बाय द वे ही लुक्स. यू कैन लुक इनटू हिज आईज, ही इज लाइक, नाउ फॉर एग्जांपल एक 95 इयर्स की नानी है एंड हिज आईज दे स्टार्ट ग्लोइंग, दे स्टार्ट ग्लिटरिंग. तो तुम्हें पता है ये कुछ उल्टी बात करेगा, डेफिनेटली करेगा. दैट वॉज फनियर टू मी कि मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि हाँ ये गलत डायरेक्शन में जाने वाला है एंड ही इज एंजॉयिंग इट सो मच हिमसेल्फ कि उसकी आंखें ग्लो करने लग गई हैं. तो ये बहुत अच्छा था, आई रियली एंजॉयड दिस वन. एंड बहुत टाइम बाद मैंने स्टैंड अप्स देखे यार, मैं आई एम ग्लैड मुझे एक अच्छा स्टैंड अप देखने को मिला है. अब मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप हैं जो मैं तुम लोग के साथ ना बैठ के शेयर करना चाहता हूँ, जिनको मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ. कुछ पुराने भी हैं और कुछ अभी रिसेंटली भी मैंने देखे थे. मुझे कॉमेडियन का नाम याद नहीं आ रहा है, इट वॉज अबाउट सम गांजा वांजा की स्टोरी और पता नहीं क्या. तो वो देखेंगे यार बैठ के. दिस गाय टुक अ लाइक टुक अ ह्यूज रिस्क वाइल क्रैकिंग दीज जोक्स बिकॉज मैन यू एंड आई वी ऑल नो कि इंडियन ऑडियंस आई डोंट नो वो किस हद तक रेडी हैं ऐसे जोक्स के लिए, क्योंकि हम लोग फैमिली से, इमोशन से, वैल्यू से बहुत जुड़े हुए हैं. और टू द पॉइंट कि मतलब हम जोक्स को बस, बहुत सारा ऑडियंस जोक्स को बस जोक्स की तरह ले, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बिकॉज वन ही सेड ना कि अब हम नरक तो जा ही रहे हैं एंड इट्स अबाउट टू गेट डार्कर डाउन द लाइन, मुझे लगा नहीं मैन ही इज लाइक टेकिंग अ बिग रिस्क. मुझे नहीं लगता ऑडियंस इस पर भी अच्छा रिएक्शन देने वाली है क्योंकि डेफिनेटली ऑफेंड करने वाला है बहुत सारे लोगों. बट दैट्स द थिंग अबाउट कॉमेडी मैन, आई डोंट नो इफ यू एवर नोटिस्ड इट, बट कॉमेडी चाहे वो रिलेशनशिप्स के ऊपर हो, ब्रेकअप्स के ऊपर हो, किसी भी सिचुएशन के ऊपर हो, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ डार्क प्लेस. देर इज नो जोक इन दिस वर्ल्ड जो किसी को ऑफेंड ना करे. कोई ना कोई तो किसी ना किसी जोक से ऑफेंड हो जाएगा. इसलिए अबाउट स्पेशली डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, मुझे लगता है कि अलग से लेबल इसलिए करना पड़ता है, एक डिस्क्लेमर थ्रो करने के लिए कि यार ये तुम्हारे रेगुलर सैड या डार्क जोक्स से भी ज़्यादा डार्क होने वाला है, ये पर्सनल लेवल पे ऑफेंड कर सकता है तुम्हें. तो आई एम हैप्पी कि नीचे कमेंट्स में भी ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा है, कोई डिसलाइक विसलाइक नहीं है ज़्यादा इस वीडियो पे. और ठीक है, जो ऑडियंस उसको क्लब में भी मिला है वो काफ़ी लिबरल, काफ़ी अच्छा ऑडियंस है, विच इज़ गुड. तो या मैन, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. एंड ज़्यादा मेरे पास बोलने को कुछ है ही नहीं कॉन्टेंट के हिसाब से, इट वॉज जस्ट द फैक्ट कि बैठ के एन्जॉय करने वाली चीज़ है एक साथ. तो या मैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.